हाँ जी, चेंजिंग रेट्स कैसे निकालेंगे आप? तो चेंजिंग रेट एंड आई मेड अ डिपॉजिट ऑन द अमन मेड अ डिपॉजिट फॉर द 2500 रुपीज इन अ सेविंग अकाउंट, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या आपके पास में 2500. द डिपॉजिट वॉज द लेफ्ट टू द अकुमुलेटेड एट द 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर द फर्स्ट 5 ईयर. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% जो कि क्या होगा 0.06 एंड क्वार्टरली फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, तो टाइम इक्वल्स टू 5 साल और क्वार्टरली है तो क्वार्टरली का मतलब हो गया साल में 4 बार, तो एन इक्वल्स टू 5 साल, 1 साल में 4 बार, तो कितना हो गया 20. हमें एन यूज करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है कि ये क्वार्टरली है तो 3 है तो आपके पास में 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/4, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1/4 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा. मैंने पहले सिखा दिया ये फॉर द फर्स्ट 5 ईयर एंड द 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स, अगले 8 साल. फाइंड द कंपाउंड अमाउंट एट द एंड ऑफ द 13 ईयर्स. चलिए देखिए जरा, 0.06 डिवाइडेड बाय 4 क्या है आपके पास में 0.015. पहले इस बात को समझ लीजिए आप, क्लियर है? तो आपने कैसे मॉडिफाई करा, टाइम 6% था, रेट 6% था, टाइम 5 साल था और आपके पास में क्वार्टरली मतलब 3 महीने में चार्जेबल है, तो 1 साल में कितनी बार आएगा, 3 महीने में आ रहा है तो 1 साल में 4 बार आएगा, तो 5 साल में 20 बार आएगा, तो एन यूज होता है. पहली चीज, 3 महीने में आ रहा है और 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है एनुअल, तो ये 1/4 टाइम पे आ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका 1/4 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा. ये कैसे करते चीज डिटेल में बात पहले हो चुकी है इसके ऊपर. आगे क्या कहता है प्रिंसिपल, तो खैर वही है, आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा आपके पास में. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% है कंपाउंडेड, आप ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एनुअली होता है, सेमी एनुअली फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स. ठीक है ना, 5 ईयर्स और देख लेते हैं इसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली नहीं लिखा हुआ आपका. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एनुअली ही ट्रीट होगा 8% और हाफ ईयरली है और टाइम नेक्स्ट 8 ईयर्स और हाफ ईयरली, तो समझिए जरा 1/2 टाइम हो गया तो 1/2 करेंगे तो 4% हो जाएगा जो कि 0.04 होगा. 1 साल में 2 बार ही आएगा तो 8 साल में 16 बार आएगा. कैसे ट्रीट करना है आपने इस क्वेश्चन को वो समझिए. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है 2500, 1+ पहले क्या रेट रहने वाला है आपका 0.015 और एन 20. रेट चेंज हो गया ना, इसके बाद नया रेट आया तो प्रिंसिपल दोबारा रिपीट नहीं होगा, बाकी सारा प्रोसेस दोबारा होगा. रेट क्या है आपके पास में 0.04 और आपके पास में एन क्या है 16. क्लियर है बच्चे? तो एस इक्वल्स टू 2500 एंड 1.015 रेस टू पावर 20 एंड 1.04 रेस टू पावर 16 एंड एस इक्वल्स टू, अब सॉल्व करेंगे 2500 मल्टीप्लाई बाय 1.015 इंटू 20 है ना, तो 21 बार, बस अब इक्वल्स दबाते जाओ, इक्वल्स प्रेस करते जाओ, 21 बार आना चाहिए आपका, 20 है तो 1+ कर दो 21 बार, और ज्यादा हो गया. जैसे 20 है ना, तो कैलकुलेटर पे यहां पे कोने पे 21 आना चाहिए, तो प्रेस इक्वल्स टू आप प्रेस करते रहिए, करते ये 21 बार तो क्या है आपके पास में 1.3468 मल्टीप्लाई, अब सिमिलर यहां पर 1.04 मल्टीप्लाई बाय 16-17 बार हो जाए 15-16-17 हाँ 1.8729. तो एस इक्वल्स टू आप सॉल्व करिए आप 2500 मल्टीप्लाई बाय 1.34
मल्टीप्लाई बाय 1.8729, 6306.05, ये आपका अमाउंट हो जाएगा 2500 रुपए 6300 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही सामर्थ, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो चेंजिंग रेट में समझ में आ गया आपको कैसे करना है आपको। अब है मिस्टर एक्स डिपॉजिट 10,000 इन अ बैंक फॉर अ 3 इयर्स ऑफरिंग इंटरेस्ट रेट द 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, एक साल में हाफ ईयरली है, एंड द रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड क्वार्टर ईयरली इन द सेकंड ईयर, दूसरे साल का अलग हो गया, एंड 10% कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, फाइंड द बैलेंस आफ्टर द 3 इयर्स। चलिए जरा मैं सवाल देख लीजिए क्या है। सबसे पहले उसने डिपॉजिट क्या करा, मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप खुद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 10,000 3 साल के लिए, पहले साल की बात करते हैं, टाइम पहले साल 1 साल के लिए पैसा रखा, और किस 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ, हाफ ईयरली का मतलब हुआ कि आपके पास में 1 साल में 2 बारी आ रहा है, तो आपके पास में एन इक्वल्स टू 2। हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ, हाफ ईयरली का मतलब हुआ टाइम का 1:2 हो गया, तो रेट आप पूरा क्यों एनुअल वाला पे करोगे, रेट भी आप हाफ ईयरली अकॉर्डिंग पे करोगे तो 0.03 ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर भी हाफ ईयरली एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, क्वार्टरली ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, सिर्फ सेकंड ईयर, तो क्वार्टरली की बात हो गई, तो मतलब कि आपके पास में एक साल में 4 बार आएगा, तो 1 साल में 4 बार आने का मतलब हो गया आपके पास में एन इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 हो गया, और डिवाइडेड बाय 12 तो इंटू 1/4 तो आपके पास में हो गया ये 3, तो 0.03 इधर भी हो गया आपके पास में, क्लियर है। अब नेक्स्ट ईयर की बात करें, ये तो सिमिलर हो गया, एंड 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली ड्यूरिंग सेकंड ईयर, ठीक है, 3 और 4 = 12, 4 = 12, एंड 10% कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, अच्छा तीसरा क्या है, 10% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है तीसरा वाला, थर्ड ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर एट द 10% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, फाइंड द बैलेंस आफ्टर 3 इयर्स। चलिए देखिए एस इक्वल्स टू प्रिंसिपल, तो आपका 10,000 रहेगा बच्चे, इसमें कोई बदलाव नहीं, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.03 एंड 2 अगेन 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.03, टाइम क्या है 4, एंड आगे पी तो है आपके पास में, आगे है आर, ई रेस टू पावर आर, थर्ड ईयर कितना है आपके पास में 10%, 0.1 इंटू टाइम 1 साल, दिस वन, क्योंकि अगला तीसरा साल कॉन्टिन्यूसली वाला है आपका, तो सॉल्व इजिली हो जाएगा अब आपका S equals to 10,000, और ये तो खैर बेस सेम हो गया ना, तो पावर ऐड कर लेना है इसको, 1.03 raised to power 6 एंड e raised to power 0.1, ये हो गया आपके पास में। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो वही इसको सॉल्व कर करके और 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बोथ साइड लोग लेकर के, फिर आप उसको पावर को नीचे उतार लीजिएगा, क्लियर है, कोई डाउट तो सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा आप मुझे पता है, शायद बच्चे फिर भी पूछेंगे पूछेंगे, तो देख लो 1.03 into ये आपके पास में आ गया S equals to 10,000 into 1.1940 e raised to power 0.1 into 10,000 S equals to 11940.52 and e raised to power 0.1। अब आप क्या करें, 5229, ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहां पर e raise to power 0.1 ऐसे भी छोड़ सकते हो सवालों को, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपके पास में लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेंगे तो क्या होगा, इधर लॉग आएगा, इधर लॉग लेते ही आपके पास में लॉग ये इधर इधर आगे उठ जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर लॉग की वैल्यू लेनी है आपने, 4 डिजिट तक ले सकते हैं आप,
क्लियर है? तो फिर अब आपका नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। फिर इक्वेशन वैल्यूज पे आ जाएंगे, देन डेप्रिसिएशन। टॉपिक तो है मैथमेटिक्स, फाइनेंस है, डिस्काउंट है, डेप्रिसिएशन है, टाइप ऑफ एन्युटीज। पेपर में सवाल एन्युटीज से ही आता है, प्रेजेंट वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। एन्युटी ही आपका मेन है, बट इसके बिना आप एन्युटी भी नहीं समझ पाएंगे अपना। जल्दी कवर कर लेंगे, उम्मीद करता हूं कि मैं आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 तारीख तक बाइंड अप कर दूंगा। 20 दिन आपके पास में सिलेबस, पेपर से 20 दिन पहले आपका सिलेबस वाइंड अप हो रहा है, और आपको मैं असाइनमेंट दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर करके आपके कंटेंट में। आपको 25-25 क्वेश्चन के असाइनमेंट की प्रैक्टिस करिएगा, यूनिट वाइज दूंगा। पहला मैं कैलकुलस 1 का असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, फिर उसी का फिर मैं आपसे टेस्ट ले लूंगा। पहले आप खुद कर लीजिए, फिर उसी का टेस्ट ले लूंगा मैं। कारण क्या है, क्योंकि पेपर में सवाल आपका वहीं से घूमेगा। चलिए बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।